हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज कोचिंग सेंटर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज आप लोगों के बीच में मैं बहुत बड़ी एक जानकारी लेके आया हूं। वो जानकारी ये है कि BSEB बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बोर्ड ने मैट्रिक और इंटर के एग्जाम पैटर्न में बदलाव किया है, जिसे हर विद्यार्थी को जानना जरूरी है। तो साथियों, अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए हैं और मुझे देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जितना भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। साथियों, अब आते हैं उस मुद्दा के ऊपर कि आखिर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बोर्ड ने ऐसा मैट्रिक इंटर के पैटर्न में क्या बड़ा बदलाव किया है जो कि जानने योग्य है। तो जैसा कि जानते हैं साथियों कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक और इंटर जो 2023 में एग्जाम होने वाला है उसके पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव किया है, और अगर जो विद्यार्थी इस बार 2023 में मैट्रिक इंटर का एग्जाम देने वाले हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि मैट्रिक का भी प्रोग्राम जारी कर दिया गया है, तो जो 2023 में स्टूडेंट छात्र छात्राएं मैट्रिक इंटर का एग्जाम देंगे उनको ये बातें ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं जान पाएंगे तो आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि अब से पिछले दो वर्ष में कोरोना महामारी का ऐसा चपेट पूरे इंडिया पे आया, पूरे देश पे आया, जिसका बहुत ही बुरा असर पड़ा, खास करके पढ़ने वाले व्यापारी लोग या जितने भी लोग थे सभी लोग उस कोरोना काल से परेशान हुए, जिसके कारण स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट सारे बंद पड़े हुए थे। तो एग्जाम लेना ही था, तो बोर्ड ने उस टाइम पिछले दो साल में पैटर्न में भी बड़ा बदलाव किया था। उसमें था कि ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराने का निर्णय लिया था, जिससे कि छात्रों को बहुत बड़ी राहत मिला था, क्योंकि स्कूल कॉलेज खुले नहीं थे, जिससे उनको सिलेबस जो पढ़ाई का था वो पूरा नहीं हो पाया था। तो इसलिए सरकार ने उसके पैटर्न में बदलाव किया था। अब साथियों, अब मुद्दा ये आता है कि इस बार जो वर्ष 2023 में क्या ऐसा बदलाव हुआ है जो पिछले दो साल में हुआ था, उससे क्या अंतर है या क्या डिफरेंट है, वही मैं आपको बताने वाला हूं। तो साथियों, वर्ष 2022 में इस साल पूरे कॉलेज स्कूल कोचिंग संस्थान शिक्षण संस्थान सही समय पर खुल गए थे और सभी का बराबर सिलेबस से पढ़ाई पूरा हुआ। जैसा कि आप जान रहे हैं कि 2022 के पहले जो दो साल हुआ था जिसमें सही से पढ़ाई नहीं होने के वजह से शिक्षा मंत्री जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के शिक्षा मंत्री थे, जिसने एक बड़ा फैसला लिया था कि सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, जिसमें 50% क्वेश्चन जो था ऑब्जेक्टिव था, बहुवैकल्पित था, जिसमें MCQ मतलब कि मतलब आपका एक प्रश्न के चार बहुविकल्प थे, उसमें से आपको देना था। तो उस टाइम क्या था कि 50% जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव था उसके लिए 50% एक्स्ट्रा बहुवैकल्पिक क्वेश्चन डाले गए थे,
मतलब आप समझे नहीं कि वैकल्पिक प्रश्न किसे कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपको 50 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव का जवाब देना था, जिसके लिए वो 100 क्वेश्चन 100 ऑब्जेक्टिव दिया था बहु विकल्पिक वाला, जिसमें से आपको जो आता है 50 क्वेश्चन ही आप हल करें, 100 में से सिर्फ 50 क्वेश्चन का ही जवाब देना था आपको। लेकिन इस बार जब शिक्षण संस्थान सही समय पे और पूरी पढ़ाई हुआ है, तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के शिक्षा मंत्री ने बहुत ही बड़ा एक बदलाव किया है, जिसमें कहा गया है कि ऑब्जेक्टिव 50% ही रहेंगे। ध्यान से सुनिएगा, कहा गया कि ऑब्जेक्टिव 50% ही रहेगा, लेकिन बदलाव क्या होगा कि जो पहले दुगना मतलब 50 क्वेश्चन का जवाब देने के जगह पे आपको 100 क्वेश्चन दिया गया था, उसमें से कोई 50 क्वेश्चन का जवाब आपको देना था, लेकिन इस बार क्या किया गया है कि 50 क्वेश्चन का सही जवाब देने के लिए आपको बस 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही मिलेगा, 60 क्वेश्चन ही आपके पेपर में आएंगे, उसमें से कोई 50 क्वेश्चन का आपको जवाब देना होगा। मतलब कि आपका यह हुआ कि बस 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो वैकल्पिक होंगे, जिसमें से कि आपको चुन के जो आता है उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। तो साथियों, इसी तरह के बदलाव इस बार 2023 के मैट्रिक इंटर एग्जाम में कर दिया गया है। तो साथियों, जो भी इस जानकारी को नहीं जानते थे या तो पिछले पैटर्न पे ही विश्वास कर किए हुए थे, उनके लिए मैं सावधान कर देना चाहता हूं कि अब पैटर्न में फिर से बड़ा बदलाव हुआ है, और बदलाव यह हुआ है कि 50% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा, लेकिन बस 10 वैकल्पिक उत्तर ही आपको रहेंगे, जिसी में से आपको छांट के कोई 50 का जवाब आपको देना पड़ेगा। तो साथियों, ये एक तरह से के माने तो अब तक की शिक्षा मंत्री बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मैट्रिक इंटर एग्जाम के लेके बहुत बड़ा फैसला लिया गया, बहुत बड़ा बदलाव आपके सामने आया। इसलिए सभी विद्यार्थी को ये जानकारी जानना बहुत जरूरी था। और साथियों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके आसपास में जो भी स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, दोस्त या रिश्तेदार नाते परिवार में, और वो 2023 में मैट्रिक या इंटर के एग्जाम देने वाले हैं, उनको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें और उनको बताएं कि बोर्ड ने एकाएक यदि कि एग्जाम के पैटर्न को चेंज किया गया है, जो कि हर किसी को जानना जरूरी है। तो साथियों, आज का जानकारी यही था जो आपको जानना काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो साथियों, ऐसे ही मैं वीडियो हमेशा आप लोगों के बीच में मैं लाते रहूंगा। और मैं आपको जानकारी दे देना चाहता हूं कि मैट्रिक की तैयारी के लिए मैं डेली आपको सभी विषयों का क्रैश कोर्स क्वेश्चन आंसर आपको मैं लेके आऊंगा वीडियो के माध्यम से, उसमें सभी क्वेश्चन का मैं हल भी करवाऊंगा। तो जो साथियों अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितना सारा वीडियो मैट्रिक परीक्षा के पहले जो भी वीडियो मैं हर विषय का लेके आऊंगा क्रैश कोर्स, उसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेगा जो कि आपको एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगा, उसी को मैं हल कराऊंगा। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक आप और अपने परिवार के साथ खुश रहें, और जो भी मैट्रिक इंटर के एग्जाम देने वाले साथियों हैं वो अब आपके पास समय बहुत कम है, इसलिए तैयारी पूरा जोर शोर से कर दें ताकि मैट्रिक इंटर में अच्छे से अच्छे मार्क्स आप ला सकें। तो साथियों धन्यवाद।